शादी से पास सुनाता हूँ, अगर तुम्हारा ठाकुर का चिन्ना उतारा, अभी को दौड़ गया है तहरीर में नौजवान लड़के खेल खेलने वाले खुली खेलने वाले। एक दिन जब बड़ी पादरी की गोद में एक पादरी अपनी नफल सजाए बैठा था, शराब पी रहा था, उसके चेहरे चमचे थे, हजारों लोग अयाश 22 लोग वहां थे, वो तहरीर में वो लड़के गेंद खेल रहे थे, एक गेंद भी पादरी की गोद में चली गई। वो लड़के गेंद लेने के लिए पादरी के पास गए, पादरी को कहने लगे, पादरी साहब हमारी गेंद दे ले। पादरी कहने लगा, मैं गेंद को नहीं देता। लड़के लड़कों ने सवाल किया, साल तू का हक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस मोहम्मद के वास्ते हम आपसे गेंद मांगते हैं। उस लंकी ने, उस जंदीक ने, उस पादरी ने पता है क्या कहा? उसने माशाल्लाह मेरे आका की नबूवत पे ऐसा प्रहार डाला, कहने लगा मैं आपके नबी की नबूवत को नहीं मानता। वो गेंद खेलने वाले लड़के कहने लगे, हम गेंद बाद में लेंगे, पहले उन्हीं लकड़ियों के आप उन्हीं लकड़ियों से आपका सर कुशल करेंगे, उन्हीं लकड़ियों से आपको कत्ल कर जाएंगे। हम घर में पास जाएंगे, जितना रुझान के बारे में उन बच्चों ने कहा था मेरे मोहम्मद मुस्तफा के बारे, वो गालियां देता है सुनाए कर जाएंगे, या मारेंगे नाली को सुनाएंगे वो गालियां देता है महबूब पारी को। कहा और लंदी, हम घर में पास जाएंगे, पहले तेरा सर तन से जुदा करके जाएंगे। ये बात वो बहरीन मालिक, ये खुदार, ये गुंडे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के पास पहुंचे, कहने लगे उमर आप फैसला फरमाएं, आप अदालत के अमीन हैं, आप सदाकत वाले हैं, अदालत वाले हैं, फैसला फरमाएं। क्या बात है, ये हमारे पादरी को, हमारे लीडर को, हमारे रहनुमा को ये मुसलमानों के बच्चों ने कत्ल कर दिया है, भाई क्या बात है, क्या मामला हुआ? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को जब ये बात बताई गई, खुदा की कसम मेरे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला इतने खुश हुए, शाश पर शाश हुए, आप इतनी फतूहत पर खुश नहीं होते थे, इतनी माने गनीमत पर खुश नहीं होते थे, आप फरमाने लगे बेटो मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम गुस्ताखे नबी को मार के आए हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। Hey!